स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं नेबरहुड। कल हमने नेबरहुड के बारे में बताया क्या होता है और क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो दैट द क्लोज्ड इंटरवल 1,3 इज नेबरहुड ऑफ 2। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो क्लोज्ड इंटरवल दिया है 1,3, ये नेबरहुड है ऑफ टू, टू का नेबरहुड है, बट नॉट ऑफ एनी ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स 1 एंड 3। सेकेंड पार्ट है इसी में, बट नॉट ऑफ एनी ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स 1 एंड 3। यानी ये जो क्लोज्ड इंटरवल है वो 1 और 3 का नेबरहुड नहीं है। तो हमें दो पार्ट में इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। पहला पार्ट करते हैं जिसमें हमें ये प्रूफ करना है कि 2 का नेबरहुड 1,3 है। तो देखते हैं नेबरहुड के बारे में। गिवन क्लोज्ड इंटरवल इज 1,3, हमें क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है। इसको हमने एन से डिनोट किया क्योंकि नेबरहुड का सिंबल जनरली हम एन से लिखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम ये कहें पी कोई पॉइंट है और पी का नेबरहुड एन है, तो इस बात के लिए क्या कंडीशन है या हम कहें क्या फॉर्मूला है कि एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करते हैं पी माइनस एप्सिलॉन कॉमा पी प्लस एप्सिलॉन। पी क्या है? जिसका नेबरहुड फाइंड करना है। तो पी का नेबरहुड फाइंड करने के लिए हमें पी माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है? एक स्मॉल आर्बिटरी नंबर है, कोई भी स्मॉल नंबर ले सकते हैं जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो पी माइनस एप्सिलॉन यानी पी से लेस हो गया, कॉमा पी प्लस एप्सिलॉन पी से ग्रेटर हो गया। ये ओपन इंटरवल बना और ये ओपन इंटरवल सबसेट होना चाहिए एन का, या हम कहें ये ओपन इंटरवल कंटेन्ड हो एन में। तो देखते हैं, यहाँ हमें प्रूफ करना है फॉर नेबरहुड ऑफ टू, टू के नेबरहुड के लिए हमें एक आर्बिटरी नंबर टेक करना है जो कि एप्सिलॉन इसका सिंबल है वो ग्रेटर देन 0। आर्बिटरी है और स्मॉल है और पॉजिटिव है, तीनों इसकी क्वालिटी है। एग्जिस्ट सच दैट, इसके लिए एक ओपन इंटरवल हम बनाते हैं 2 माइनस एप्सिलॉन कॉमा 2 प्लस एप्सिलॉन। अगर ये ओपन इंटरवल इस क्लोज्ड इंटरवल का सबसेट हो तब हम कहेंगे कि जो क्लोज्ड इंटरवल है वो 2 का नेबरहुड होगा। अब हम देखेंगे कैसे, हम कैसे बताएंगे कि ये नेबरहुड है, या हम कैसे इसको समझेंगे कि ये नेबरहुड है। देखिए, समझते हैं। 2 माइनस एप्सिलॉन इससे समझ लेते हैं कि हमने एप्सिलॉन एक आर्बिटरी स्मॉल नंबर है, तो हमने 0.1 टेक कर लिया। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू 0.1 है वो हमने यहाँ पुट कर दी। तो पुट करने के बाद क्या आया? 2 माइनस 0.1 कॉमा 2 प्लस 0.1। इसको कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 1.9 कॉमा 2.1। अब ये एक न्यूमेरिकल नंबर बन गया, इस समझने में आसानी रहेगी। तो 1.9 से ग्रेटर है। एक बात ये बता दें कि इस क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है। हमने डेफिनेशन में बताया कि अगर एक्स कोई एलिमेंट 1,3 का होगा, कब? कि एक्स इस पॉइंट से लेस हो और इस पॉइंट से ग्रेटर हो, यानी बिगनिंग पॉइंट से ग्रेटर हो, तो वो सारे एलिमेंट इसमें होंगे। ठीक है, तो देखते हैं 1.9 क्या इसमें होगा। देखते हैं, यहाँ से हम ये बता रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से, या इक्वल भी होना चाहिए। तो ये हम देख रहे हैं कि ग्रेटर देन है ये 1 से 1.9, इसका मतलब ये 1.9 इसमें लाई कर रहा है। अब 2.1 के लिए देखते हैं, 2.1 इसमें लाई कर रहा है या नहीं। यहाँ देखते हैं कि एक्स लेस देन होना चाहिए 3 से, यानी एक्स की वैल्यू छोटी होनी चाहिए 3 से, लेस है। तो इससे यहाँ हम ये समझ गए कि 1.9 या 2.1 सबसेट है 1,3 का। हैंस 1,3 जो क्लोज्ड इंटरवल है वो नेबरहुड है 2 का।
तो यहाँ हमें कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आएगी कि नहीं है नेवरहुड, तब भी हमें देखना है। ये हमने यहाँ इसको ग्राफ के तरीके से भी समझा दिया कि टू का नेबरहुड देखना है, तो हमने क्या किया, टू की जो हमने इंटरवल बनाया वो बनाया ये 1.9 2.1, तो 1.9 टू से इधर होगा और 2.1 इधर होगा, तो ये दो पॉइंट मिल गए, इससे हमने एक सर्किल बनाया। अब हम ये देखेंगे क्या ये सर्किल उस क्लोज इंटरवल के अंतर्गत है, ये अंडर में है। देखो अब क्लोज इंटरवल क्या है, वन, ये इसका एरिया कितना हुआ ये, और क्लोज इंटरवल थ्री थ्री ये एरिया, तो क्या ये जो ओपन इंटरवल हमने एग्जिस्ट किया है या हमने मेड किया बनाया है वो इस क्लोज इंटरवल के अंदर है, यानी कंटेन कर रहा है, कंटेन कर रहा है, देयरफॉर ये जो ओपन इंटरवल है वो टू का नेबरहुड है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ कि नहीं है नेबरहुड, इसके लिए देखते हैं, हमें यह प्रूफ करना है कि फॉर नेबरहुड ऑफ वन, वन का नेबरहुड के लिए ये नेबरहुड नहीं है। तो देखिए 1 - εn, 1 + εn, जिसका नेबरहुड फाइंड आउट करना होता है उसका हम क्या करते हैं, एक ओपन इंटरवल बनाते हैं, तो कैसे, एप्सिलॉन माइनस किया और यह एप्सिलॉन प्लस किया। अब ये देखते हैं 1 - εn 1 से लेस है और यहाँ क्या होना चाहिए, 1 से ग्रेटर। देखिए 1, 3 में वो एलिमेंट होंगे जो 1 से ग्रेटर होंगे और यहाँ 1 से लेस हो गया, ऐसा बोला ये वाला एलिमेंट इसमें नहीं होगा। इट मीन्स कि ये जो ओपन इंटरवल है वो इसका सबसेट नहीं है, देयरफॉर 1 का जो नेबरहुड है ये 1, 3 नहीं है, यही हमें प्रूफ करना है। आइए इसको एग्जाम्पल उससे न्यूमेरिकल नंबर से हम और समझ लेते हैं। एप्सिलॉन हमने यह 0.2 ले लिया, तो यह वैल्यू पुट कर दी 1.2, 1 - 0.2, 1 + 0.2। ठीक है, इसको कैलकुलेशन किया 0.8, 1.2, तो ये दो नंबर हैं, हम ये देखेंगे कि ये दोनों नंबर इसमें होंगे, देखते हैं। देखिए ये जो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन होती है कि उसमें एक्स जो एलिमेंट होते हैं वो एक पॉइंट से ग्रेटर होते हैं और बाद वाले पॉइंट से लेस होते हैं, एक्स ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। इसमें होने के लिए एक्स एलिमेंट इसमें जब ही होगा जब एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी या 1 के बराबर होगी। देखते हैं 0.8 1 से लेस है, 1 से बड़ी नहीं है और ना 1 है, इसका मतलब ये 0.8 इसमें लाई नहीं करेगा। देखिए ये हमने नॉट सबसेट का सिंबल बनाया है, तो न्यूमेरिकल से भी समझ लिया हमने कि 1 का नेबरहुड ये नहीं है। एंड इससे हम ग्राफिकल मेथड से भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ 1 के नेबरहुड के लिए हमने क्या किया, एक ओपन इंटरवल बनाया, तो यहाँ हो गया 0.8 और 1.2। हम ग्राफ में 0.8 क्या बनेगा, 1 से लेफ्ट हैंड में, 1.2 इधर, हमने सर्किल बना दिया। अगर ये सर्किल, पूरा सर्किल इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर होगा यानी कंटेन कर रहा होगा, तो देखते हैं। देखिए ये हमने 1 यहाँ बनाया क्योंकि 3 यहाँ है और 1 यहाँ, इसका मतलब इस बाउंड्री के अंदर ये वाला पूरा सर्किल नहीं है, है ना, आधा सर्किल दिख रहा है, आधा नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये ओपन इंटरवल इसका सबसेट नहीं है, देयरफॉर क्लोज इंटरवल इज नॉट नेबरहुड ऑफ 1। अब 3 के लिए आपको सेल्फ करना है, मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया है, ये लिखना इतना ही है, बाकी समझने के लिए बिल्कुल यही मेथड है। ओके,